जिस जमी की कोख में अनगिनत मशहूर और अद्भुत अचरज छुपे हैं, जिसे कला कौशल की अमूल्य धरोहर सौगात में मिली है, जिस प्रदेश का विशाल समय पट प्राचीन मध्ययुगीन और आधुनिक काल के गौरवशाली इतिहास से रंग रंगाया है, ऐसे औरंगाबाद क्षेत्र की ये रोमांचक कहानी। यहाँ अनुपम गुफाएं हैं, सुंदर मंदिर, बुलंद किले, ऐतिहासिक दरगे हैं, तो खूबसूरत कुदरत, दुर्लभ पुरातन ढांचे और हस्तशिल्प के बेजोड़ नमूने भी हैं। पथराई जमीन और घने जंगलों से घिरा ये प्रदेश किसी जमाने में सिर्फ जंगली जानवरों और अनगिनत पंछियों का आबोदाना था। आदमी की बस्ती का नामो निशा भी नहीं था कहीं, थी तो बस पशुओं की आसमान चीरती दहाड़े। क्रिस्तपूर्व दूसरे शतक में पहली बार यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि के धीर गंभीर सूर गूंजने लगे और साथ ही पत्थरों पे गूंजने लगी छन्नी हथौड़ों की लयबद्ध ध्वनि प्रतिध्वनि। शिल्प कला के लिए सबसे अच्छे समझे जाने वाले बसाल्ट पत्थर सह्याद्री की पर्वतमालाओं में भरपूर पाए जाते हैं और इसी कारण भारत की 1200 गुफाओं में से 900 गुफाएं अकेले महाराष्ट्र में हैं और उसमें से अजंता एलोरा की गुफाओं का समूह सबसे कलात्मक और असाधारण माना जाता है। सबसे प्राचीन प्रदेश का नाम है पित्तलखोरा। पूरी तरह बुद्धिस्ट होने वाली इन गुफाओं का उत्खनन क्रिस्तपूर्व दूसरे शतक में हुआ था। इन तराशी गुफाओं में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के दस्तावेज देखे जाते हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की रंगीन प्रतिमाओं का भी इसमें समावेश है। इन गुफाओं के खंभों पर जगह जगह पंखधारी पशुओं की छवियां देखी जाती है। ये अस्त्रियन संस्कृति के प्रभाव का लक्षण है। अजंता की गुफाएं मतलब प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र, शिल्प कला एवं चित्रकला के अपूर्व संगम का अत्युच्च शिखर। सह्याद्री की विस्तीर्ण पर्वतमाला में कुदरती जल प्रयालों की गोद में अजंता गुफाओं का उत्खनन हुआ। दूर से देखने पर इन गुफाओं की अधगोल कतार चांद के टुकड़े जैसी दिखती है। भारतीय कला के इतिहास में इन गुफाओं ने अपना नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा है। समय के बहाव में गुम हुई इन गुफाओं को 1819 में खोज निकाल दुनिया के सामने लाया ब्रिटिश राज के जॉन स्मिथ ने। दीवारों पर रंगी हुई अप्रतिम जातक कथाएं और छत पर बारीक ज्यामितिक नक्काशी का काम ये अजंता की खास विशेषता। क्रिस्तपूर्व दूसरे शतक में भारत को त्रिआयामी चित्रकला का ज्ञान था, इस बात की अजंता मिसाल है। एलोरा कला विश्व की शान, भव्यता और वैभव का साक्षात प्रतीक है। चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादवों के काल में क्रिस्तपूर्व 6 से 11 के काल के दरमियान इन गुफाओं का उत्खनन हुआ। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म का अनूठा मिलाप यहाँ पाया जाता है। शिल्प कला का असाधारण चमत्कार माना जाता है एक ही पत्थर में तराशा हुआ गुफा नंबर 16 का ये शिल्प कैलाश गुफा। पहले कलसा फिर नीव, ऐसे उल्टे तत्व से इसे तराशा गया। तीनों तरफ से पर्वतों की नक्काशी करते हुए इस शिवलिंग मंदिर का उत्खनन किया गया। देव देवता, अप्सराएं, दैत्य, दंत कथा के प्राणी यहां अहाते में और छज्जे में कुरेदे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से देखा जाए तो हमें सिंहाचल और सातारा पर्वतमालाओं के बीचों बीच औरंगाबाद गुफाओं का दिलकश दर्शन होता है। इन गुफाओं के शिल्प अजंता जैसे ही बेजोड़ हैं। इन गुफाओं में लेटनी ऑफ अवलोकितेश्वर का शिल्प सजीव और दिलखेंच है। गुफा नंबर 7 की नर्तकी का शिल्प भी अप्रतिम है। यादव वंश के 5वें भिल्लम्मा ने 1187 में दौलताबाद का किला बांधा। ये किला चालाक रणनीति की बढ़िया मिसाल माना जाता है। किले के अंदर बेहद कठिन पेचीदा गुप्त मार्ग हैं, अंधेरी खाइयां हैं। दुश्मन हमला ना कर सके इसलिए तलहटी में 150 फुट ऊंची कगार खोदी है। किले की पूरी ऊंचाई तो 700 फुट इतनी है। 1326 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद बनाने की ठान ली और दौलताबाद को तब भारत की राजधानी होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
यहाँ का 210 फुट ऊंचा चांद मीनार वास्तुशास्त्र का एक अजूबा माना जाता है। ये चांद मीनार 1435 में सुल्तान अलादीन शाह बहामनी ने बनवाया था। ये किला अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सम्माननीय फेहरिस्त में शामिल होने वाला है। अंतूर नाम के मराठा सरदार ने 19वीं सदी में जो किला बांधा उसे ही कहते हैं अंतूर फोर्ट। खानदेश के पर्वतों की चोटी पर विराजमान 2700 फुट की सिर चकराने वाली ऊंचाई रखने वाला अंतूर का किला, विश्व विख्यात ताजमहल की सही सही प्रतिकृति और दक्षिण का ताजमहल नाम से जाने जाने वाला बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद का एक प्रमुख आकर्षण। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह ने 1653 से 58 के दरमियान अपनी माँ दिलरास बानो बेगम उर्फ रबिया दुरानी इनकी याद में ये मकबरा बनवाया। फूल पौधों से खिले हुए बगीचे, मुलायम घास के कालीन, फव्वारे और प्रतिबिंबों को पेट पर गूंदने वाले तालाब, इन्होंने मकबरे की खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं। पानी के दबाव पर चलने वाली हिकमती अनूठी ऐतिहासिक पंचक्की, इस चक्की ने हजारों गरीबों के अनाज पीसने की सुविधा की। वक्र नलिका की व्यवस्था के आधार पर शाह महमूद की मेधावी कल्पना से निर्मित पंचक्की इतिहास में अनोखी है। मध्य आशिया में घासद्वान के एक सूफी संत थे बाबा शाह मुसाफिर, उनके शिष्यों ने इस परिसर को विकसित किया। औरंगजेब का दल प्रमुख बुंदेलखंड का राजा पहार सिंह, इन्होंने 1651 में सुनहरी महल का निर्माण किया। बुलंद अक्कड़बाज किलाबंदी, खूबसूरत नक्काशी से लपेटे बड़े बड़े दरवाजे और आयताकृति तालाब के फव्वारों ने महल की सुंदरता को निखारा है। अंदरूनी दीवारों पे सुनहरे रंगों के चित्रों की वजह से महल को सुनहरी नाम मिला होगा। आजकल कुछ सालों से यहाँ बड़े पैमाने पे महोत्सव का आयोजन होता है, जिसका अनुभव करने यहाँ देश विदेश से मेहमान भीड़ लगाते हैं। बुलंद दरवाजों का शहर औरंगाबाद की एक ऐसी भी पहचान रही है। इस शहर में 52 दरवाजे थे, उनमें से आज भड़कल गेट, दिल्ली गेट, मकई गेट, पैठन गेट, रंगीन गेट, काला दरवाजा, ऐसे सिर्फ 13 दरवाजे बचे हैं। अंदाजन 50,000 साल पहले किसी शांत सयानी रात में एक उल्कापात हुआ। आघात से जो विशाल गड्ढा पड़ा उसमें निर्माण हुआ एक तालाब, जो है बुलढाणा जिले का लोनार सरोवर। उस उल्का पत्थर का वजन कुछ लाखों टनों का था, इसीलिए 2000 मीटर की चौड़ाई का यह तालाब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तालाब माना जाता है। एक फैले बर्तन जैसा गिरिमालाओं पर हाथ पैर पसारे है गौताला का बीहड़ जंगल। 1986 में सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया और गौताला औत्रम घाट वन्य जीवन अभयारण्य का नाम होने लगा। कहते हैं गौतम ऋषि इन जंगलों के रहने वाले थे, तो ये गांव और जंगल गौताला के नाम से जाना जाने लगा। केदार कुंड नाम का कुदरती झरना, सीताखोरी जल प्रयाल, तालाब और पशु पक्षियों का वन्य जीवन गौताला का विशेष आकर्षण है। 40 गांव का भास्कराचार्य निसर्ग शिक्षण केंद्र देखने लायक है। पशु पक्षियों की, औषधि वनस्पतियों की जानकारी यहाँ डिजिटल फोटोग्राफी और मॉडल्स के माध्यम से दी जाती है। शून्य की संकल्पना का खोज लगाने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य की सलोनी मूर्ति बाहरी आंगन में विराजमान है। जायकवाड़ी के नाथ सागर तालाब के करीब है रंग बिरंगे दुर्लभ पक्षियों का ये अभयारण्य। साइबेरिया, उत्तर व मध्य एशिया, लद्दाख, तिब्बत और हिमालय से आने वाले ये अनूठे मेहमान जब आसमान में लहराते हैं तो जी मचल जाता है। ऊंचाई पर बसा महस माल का देहाती अहाता देखने वाले की सांस रोक लेता है। शुद्ध हवा से दमदमाते इस खूबसूरत आबो हवा में एक बार तो खास आना ही पड़ेगा। तालाब, व्यू पॉइंट, ये महस माल के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। खुल्दाबाद से बाएं मुड़ने के बाद आने वाला सुली भंजन इलाका पर्यटकों को मोहित सा करता है। यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे तालाब हैं, उनमें से एक है परियों का तालाब। सूफी संत शेख जलालुद्दीन गंजेरवा की कब्र के पास ये खूबसूरत तालाब है। राजघरानों की महिलाओं के जल क्रीड़ा के लिए ये तालाब बनाया गया था। एक और हैरतअंगेज बात ये कि इस दरगे के सामने आज भी एक शिवपिंड भग्नावस्था में है।
हिंदू भक्त वहां श्रद्धा से बेल फूल चढ़ाते हैं और मुस्लिम भाई बगल के दरगे में चादर। औरंगाबाद को बीचों बीच रखकर 200 किलोमीटर के गोलाकार में अगर कोई श्रद्धालु परिक्रमा करने निकले तो लगभग एक हफ्ते की तीर्थ यात्रा नसीब होगी। यहाँ मंदिर, दरगे, गुरुद्वारा, मस्जिद, समाधियां और आश्रमों की रेल चेल है। दो अहम शक्तिपीठ, एक तुलजापुर भवानी माता का मंदिर एवं दूसरा योगेश्वरी देवी का मंदिर। मैं इस माल की गिरजा देवी, 40 गांव की पाटना देवी, इन मंदिरों में भी नवरात्रि का त्योहार बड़े पैमाने पे मनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 मंदिर इसी इलाके में है, एलोरा का घृष्णेश्वर और परली वैजनाथ का मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। महाशिवरात्रि को यहाँ भव्य महोत्सव मनाया जाता है। अनवा के शिव मंदिर की महत्ता सिर्फ उसके धार्मिक स्थल होने में नहीं बल्कि अपूर्व वास्तुशास्त्र एवं शिल्प कला में भी है। सजे सजाए स्तंभ, सुंदर मंडप, ये यहाँ की कुछ विशेषताएं। दुनिया भर में मशहूर साई बाबा का शिरडी का देवस्थान औरंगाबाद से नजदीक ही है। जल्द ही औरंगाबाद शिरडी हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होने वाली है। इसी रास्ते पे आगे महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र, कर्नाटक, गुजरात के भी श्रद्धालुओं की भीड़ जहां साल भर उमड़ती है, वो शनि शिंगणापुर का मंदिर भी यही है। गोदावरी प्रवरा संगम के नजदीक देवगढ़ के दत्त मंदिर में भी भक्तों का बड़ा मेला लगा रहता है। गर्भागार में किसी भगवान की मूर्ति नहीं, बस एक खम्बा है जिसे पीठ सटाकर ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। उस खम्बे के अवशेष को प्रतीक समझ श्रद्धालु जहाँ वंदन करते हैं वो है नेवासा का न्यारा मंदिर। पहले जिसका नाम दक्षिण काशी या प्रतिष्ठान नगरी था वो पैठन गोदा तट पर ही है। गांव के अंदर और बाहर के नाथ मंदिरों को धार्मिक संदर्भ है। संत एकनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर जी की परंपरा इस भूमि को प्राप्त है। संत नूरुद्दीन साहिब जी दरअसल थे राजस्थान के, लेकिन उनकी स्मृति में बोहरी समाज ने दरगाह यहाँ डोनगांव में बनाया है। पूरे मार्बल से बने इस दरगे के पास एक खूबसूरत बागीचा भी है। सातारा की पहाड़ियों पर 3 मंदिरों को जोड़ता हुआ ये खंडोबा का देवस्थान, ये अहाता बड़ा ही सुंदर है। 250 साल पहले अचानक यहाँ तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा प्रकट हुई और कचनेर ने शोहरत पाई। इस पवित्र स्थल पर दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 1708 में महानिर्वाण हुआ। उस जगह पे बनाए गए गुरुद्वारे में देश परदेश से अनुयायी आते हैं। खुल्दाबाद में आज श्री भद्रा मारुति संस्थान ने बड़े मंदिर का निर्माण किया है। औरंगाबाद के स्थानीय भक्त यहाँ हजारों की तादाद में नंगे पैर चल के आते हैं। खुल्दाबाद के आसपास ही थोड़ी ऊंचाई पर है और एक श्रद्धा स्थान, छोटा शांत दत्त मंदिर। दत्त जयंती को लोग बड़े लगाव से यहाँ आते हैं। सप्तसुरों की प्रतीत देने वाला पोला पत्थर ये भी यहाँ का और एक आकर्षण। हेमाडपंथी शैली का एक और मंदिर औंढा नागनाथ। सूफी संतों की चिर निद्रा, उनकी कब्रें, समाधियां, इनसे ओजस हुआ एक गांव खुल्दाबाद। आखिरी मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र यहीं खुल्दाबाद में है। उनके छोटे बेटे आजम शाह और उनकी पत्नी दोनों की कब्रें भी यहीं हैं। आखिरी खलीफा हजरत जैनुद्दीन और हजरत बुरहानुद्दीन गरीब, इनकी पाक समाधियां भी यहीं पर आमने सामने खड़ी हैं। मोहम्मद पैगंबर के अंगरखे का दर्शन करने उर्स में हर साल सैकड़ों बंदे हाजिरी लगाते हैं। यहाँ एक और खास दरगाह है जो हजरत ख्वाजा मुंतजाबुद्दीन और जरजारी जरीबख्श इलामिया, इन संतों के लिए बनाया है। मुगल कालीन नहरे अंबरी के निर्माता बुद्धिमान अभियंता मलिक अंबर, इनका भी स्मारक इसी दरगे के पीछे है। दुनिया भर हजारों शिष्य होने वाले मेहर बाबा का समाधि स्थान इस दरगे के पहाड़ी पर गुफा में है। यहाँ के लुभावने विरासत का रेशमी प्रतीक है पैठणी, असली रेशम और सोने का सम्मोहित श्रृंगार पैठणी। औरंगाबाद, पैठन, येवला और अब कई जगह से पैठनी बनाई जाती है। खानदानी सलोना कपड़ा और उतनी ही नजाकत से की गई नक्काशी के बदौलत पैठनी की खूबसूरती खिल उठती है। गहनों के साथ ही हर स्त्री को पैठनी भी अपनी संदूक में रखने की तमन्ना होती है। इस प्रांत की और एक पहचान है ये अलौकिक वस्त्र हिमरू।
सारे पर्यटकों में मशहूर ये कपड़ा औरंगाबाद का सुवीनियर बनकर दुनिया भर पहुंचा है। मोहम्मद तुगलक ने जब राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरण किया तो साथ बुनकर हथकरघे कारीगरों की बस्ती भी इस हाते में आई और यहीं बस गई। बादशाहों, अमीरों और उमराओं के महंगे पोशाक सिलाते वक्त हिमरू का इस्तेमाल होता था। कलाकारों की मक्का जानी गई बिदर इलाके का उपहार बिदरी, तांबे पे सोने या चांदी का मुलम्मा देके ये काम किया जाता है। महान इतिहास तज्ञ और अन्वेषक डॉक्टर रमेश शंकर गुप्ते जी की प्रेरणा और लगन से बनाया गया ये संग्रहालय पंडितों और पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। इस इलाके की ऐतिहासिक धरोहर, चीजें, शस्त्र, हस्तलिखित शिल्पकला, सिक्के, काष्ठ शिल्प, पत्थरों के अवशेषों के द्वारा लोगों के सामने लाने की श्री गुप्ते जी की धुन थी। विश्वविद्यालय के हाते में 1979 साल में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया गया। मराठवाड़ा की बिखरी सांस्कृतिक विरासत अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखने का अहम काम ये संग्रहालय करता है। औरंगाबाद नगर निगम ने भी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए भव्य अष्टकोणी शिवाजी संग्रहालय की स्थापना की है। यहाँ जो इतिहासकालीन चीजें दिखाई देती हैं, वो डॉक्टर पुरवार की मेहनत का नतीजा है। सिक्के और शस्त्रों के साथ कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख भी यहाँ जतन किए हैं। मराठवाड़ा की ऐतिहासिक भूमि साहित्य संस्कृति से भी संसेचित है। विश्वविद्यालय का नाट्यशास्त्र विभाग, बाकी महाविद्यालयों के नाट्यशास्त्र विभाग और कई नाट्य संस्थाओं ने मिलके रंगमंच के सशक्त आंदोलन की यहाँ दिल से परवरिश की है। भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी आदि प्रमुख नृत्य प्रकारों का प्रशिक्षण भी गुरु शिष्य परम्परा द्वारा दिया जाता है। उनमें से एक है महागामी, पार्वती दत्ता वहाँ की संचालिका है। औरंगाबाद क्षेत्र में कई लोक कलाओं की निरंतर परंपरा है, चाहे नमन हो, या गोंधड़, भारूड हो या पोवाडा, और हर घर में गुनगुनाया जाने वाला अभंग तो है ही। पाहता पाहता लोचनी, रूप पाहता पाहता लोचनी हो, सुख झाले हो झाले हो साजनी, सुख झाले हो झाले हो साजनी, सुख झाले हो झाले हो साजनी। कई सम्राट, कई सल्तनतें आईं, तो साथ चली आई उनकी खाने पीने की संस्कृति भी। जात जात के विशेष शाकाहारी और मांसाहारी पकवान ये औरंगाबाद की खास महकती पहचान। नान खलिया ये एक ऐसी ही मुगल डिश, शहर के चौक, बुड्डी लेन, शाहगंज इलाके में मिलने वाला कबाब तो केवल लाजवाब। नवा मराठा, लाला जी, इन होटलों का खाना खिलाने से ही औरंगाबाद वालों की मेहमान नवाजी पूरी होती है। झुनका भाकरी, ठेचा, भरे बैंगन, धपाटे, कचौरी, समोसा, मूंग भजिया, दही बड़ा, ऐसे शाकाहारी पकवानों का भी खास औरंगाबादी जायका है। उत्तम उपहार गृह में 12 घंटे कढ़ाइयों से नाजुक नक्काशी वाले केसरी इमरती के कलछुले भर भर के निकलते रहते हैं और पेटुओं की टोली उन्हें खड़े खड़े चाव से खत्म करती रहती हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस इमरती ने औरंगाबाद की इज्जत बढ़ाई है। वही बात अप्पा हलवाई के ओटाए दूध के खास पेड़ों की। पेड़ा तो गली गली मिलता है, लेकिन ये पेड़ा इतना मीठा, चरचरा, खस्ता कैसे बनाते हैं, ये सवाल सताता रहता है। औरंगाबाद के तारा पान सेंटर का पान सिर्फ नवाबी शौक नहीं, बल्कि मुख शुद्धि और आस्वाद का एक रसीला केंद्र है। 1980 के आसपास एशिया का एक तेज विकास का शहर, ऐसी पहचान बनाने वाले औरंगाबाद की विकास की घुड़दौड़ आज भी उसी गति से जारी है और इसका प्रमाण है औरंगाबाद का अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हवाई अड्डा। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और औरंगाबाद से दिल लगा बैठते हैं। When I first arrived in this airport, it was very nice and well developed, I think.
And I had some business trip today in Orangawa, all the world. And the people are very kind and very good impressions for this area. And I would like to visit again. We are in Orangabad, which is the famous historical city. There's many, many interesting things to see. First time I've been in Orangabad about 2 years ago. हवाई अड्डे से शहर में आने वाले सारी बड़ी सड़कों पर तरह तरह की खासियत से सजे संवरे फाइव स्टार होटल्स आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेमन ट्री, अजंता एम्बेसडर, रामा इंटरनेशनल, ताज, ये कुछ ठोस नाम। दौलताबाद रोड का मेडोज, ये रिजॉर्ट टाइप होटल। रेलवे स्टेशन के नजदीक का विट्स होटल। सिटको बस स्टैंड के करीब विंडसर कासल या अमरप्रीत शहर के बीचों बीच। किसी भी होटल की लॉबी में जाइए, आपको वहां विदेशी मेहमानों की भीड़ नजर आएगी। फाइव स्टार की तमाम सुख सुविधाएं, साथ साथ प्यार भरी मेहमान नवाजी, औरंगाबाद के होटल वालों के ये विशेष गुण। व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन, इस तिराहे से आने वाले हर मेहमान की सुविधा के लिए शहर में वेदांत ट्रेवल्स, औरंगाबाद ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट, वेलवर्ड ट्रेवल्स, PR Holidays and Events, MIP Travels, Pushpak Travels, Bishandeep Travels, Thakkar Tour and Travels, Man Mandir, ऐसे नामचीन कंपनियों ने अपनी पहचान बनाई है। औरंगाबाद रेलवे का विस्तार भी दिन ब दिन फैलता जा रहा है और महाराष्ट्र से पूरे देश को जोड़ने वाले इस रेल पटरी से आप चाहे जहां सफर कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल की दुनिया के बड़े नाम स्पेंसर, बिग बाजार तो औरंगाबाद में है ही, साथ ही प्रोजोन इस एशिया के बड़े मॉल की शाखा भी अब आधम की है। उत्तम नाट्य गृह, सेमिनार हॉल्स, PVR जैसे मल्टीप्लेक्सेस मौजूद है ही। बजाज, उमा संस, वॉक हार्ड, एंड्योरेंस, स्कोडा जैसे प्रगतिशील व्यापार समूह यहाँ कार्यरत है। इसीलिए आप कुदरत के प्रेमी हो या पर्यटक, व्यापारी हो या कला संस्कृति के उपासक, श्रद्धालु हो या इतिहास के अभ्यासक, साल के 12 महीने 6 ऋतुओं में अलग अलग रंगों से खिलने वाली ये भूमि आपके स्वागत के लिए तैनात है। जीवन में एक बार तो आना ही चाहिए, ऐसा लजीज है शहर, और एक बार आए तो बार बार आओगे, ये बात भी पक्की। वेलकम टू औरंगाबाद अगेन।